पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लद्दाख में तनाव को लेकर बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और घोषणाओं को लेकर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनका देश की सुरक्षा पर असर पड़ता है। साथ ही कहा कि पीएम ऐसे बयान ना दे जिससे चीन की साजिशों को बल मिले। बता दें कि सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि भारतीय सीमा में कोई नहीं घुसा है। इस पर काफी हंगामा हुआ था। बाद में पीएमओ की तरफ से इस बारे में सफाई दी गई थी। इसमें कहा गया था कि पीएम मोदी के बयान का गलत मतलब निकाला गया है। तो क्या क्या कहा मनमोहन सिंह ने? 15 और 16 जून को गलवान वैली लद्दाख में भारत के 20 साहसी जवानों ने सर्वोच्च कुर्बानी दी। इन बहादुर सैनिकों ने कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। हम इतिहास के एक नए नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय और कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारे आकलन कैसे करेंगी। प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और घोषणाओं को लेकर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनका देश की सुरक्षा और सामरिक व भूभागीय हितों पर प्रभाव पड़ता है। चीन ने अप्रैल 2020 से लेकर आज तक भारतीय सीमा में गलवान वैली एवं पैंगोंग लेक में कई बार जबरन घुसपैठ की है। हम ना तो उनकी धमकियों और दबाव के सामने झुकेंगे, ना ही अपनी भूभागीय अखंडता से कोई समझौता स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री को अपने बयान से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए। उन्हें यह तय करना चाहिए कि सरकार के सभी अंग इस खतरे का सामना करने और हालात को ज्यादा गंभीर होने से रोकने के लिए मिलकर काम करें। सरकार को आगाह करते हैं कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत लीडरशिप का विकल्प नहीं हो सकता। पिछलग्गू सहयोगियों की ओर से फैलाए गए झूठ के अडंबर से सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता। प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि वे वक्त की चुनौतियों का सामना करें और हमारे सैनिकों की कुर्बानी की कसौटी पर खरा उतरें। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जनादेश से ऐतिहासिक विश्वासघात होगा। नमस्कार दाप, मेरा नाम है सर्वत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।